जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूँगा एवं अपने परिजनों मित्रों या परिचितों को तम्बाकू सेवन का नहीं करने के लिए प्रेरित करूँगा। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूँगा। तम्बाकू नियंत्रण का जो महा है उसको लेकर किस प्रकार की क्रिया बोलने के लिए किस प्रकार से सफलता मिली? हम सभी जानते हैं तंबाकू जानलेवा है और तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पाते हैं। इसके कारण ही हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 24 फरवरी को 100 दिवसीय कार्य योजना अभियान हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करके प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों में स्कूल्स को हमने इन्वॉल्व किया, हमारे विभाग के सभी सदस्यों को इन्वॉल्व किया। उन सभी के सहयोग से हम आज 100 दिवसीय कार्य योजना जो कि कल समाप्त होने जा रही है उस पर मेगा शपथ का आयोजन हम कर रहे हैं। इस मेगा शपथ के अंदर जो सभी सरकारी विभाग हैं उसके अतिरिक्त प्राइवेट जो जितने भी संस्थान हैं उनसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हुए उनको भी हमने संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आवश्यक रूप से अपने विभाग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं या आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जिसको अपने अनुसार कुछ लोग चेंज भी कर सकते हैं, पर 11 बजे वो मेगा शपथ का आयोजन किया जाएगा जिसके अंतर्गत हम सभी लोग करके मिल करके शपथ लेंगे कि तंबाकू और तंबाकू के उत्पादों से हम अपने आप को दूर रखें और स्वस्थ राजस्थान निरोगी बूंदी हमारे ज़िले के अंदर ये सपना हम साकार कर सकें। अभी हमने इसके अंतर्गत ही जो वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई स्कूलों के अंदर, उसमें ब्लॉक लेवल पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको जिला स्तर पर हमने बुला करके यहाँ पे भी वाद विवाद प्रतियोगिता करा के यहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको राज्य स्तर पर प्रतियोगिता करके और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ज़िले में लगभग अभी तक 60,000 चालान काटे जा चुके हैं। 60,000 चालानों में एक ही दिवस में हमने लगभग 19-20,000 चालान काटे थे। ये सिर्फ समझाइश के लिए था, लोगों को स्वयं अपने मन से आगे होकर के तंबाकू को छोड़ना चाहिए, हमारा ये मानना है। चालान सिर्फ दिखाने के लिए या बताने के लिए कि चालान इसलिए काटे गए थे कि लोगों को लगे कि जो भी वो प्रत्यय तंबाकू खाने का कर रहे हैं वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए हानिकारक है। इसमें कई लोगों ने हमारे ज़िले में भी हमारे कई लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और उन्होंने तंबाकू छोड़ने की सौगंध खाई, शपथ ली। हम कल ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में जुड़ें और शपथ लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।